क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है कोई फंक्शन f है जो माइनस क्लोज इंटरवल माइनस फाइव से फाइव में डिफाइंड है, उसका रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर ऑफ x है, और आपसे दो कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया है। पहला कि f क्या है आपका, डिफ्रेंशिएबल है। अगर कोई भी फंक्शन डिफ्रेंशिएबल होता है किसी भी इंटरवल में तो ये अंडरस्टूड है कि वो कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, ये थ्योरम होती है कि अगर फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है तो ये मस्ट है कि वो उस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो पहले दोनों कंडीशन को ये मीट करता है जो रूल आपकी LMBT मतलब लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर लीजिए, तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए दो कंडीशन ये मीट करता है, ठीक है, क्या डिफ्रेंशिएबल है, हमने कहा फिर कॉन्टिन्यूस होगा इसका मतलब, और दूसरी बात दी गई है कि एफ डैश एक्स डज नॉट बैनिश, एफ डैश एक्स डज नॉट बैनिश का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम कोई भी सी लेते हैं, कोई भी सी लेते हैं कहाँ पे, इस इंटरवल में कोई भी सी लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका सी, लेट सी बिलोंग्स टू माइनस फाइव से फाइव, ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है कि एफ डैश सी नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, से ये दैट इज इक्वेशन नंबर वन हमने कह दिया, इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हमें प्रूफ ये करना है कि f माइनस फाइव एफ फाइव के इक्वल नहीं होता है, ठीक है, तो हम लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस अप्लाई करेंगे। लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, या यूं कह लीजिए मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है और ओपन इंटरवल में डिफ्रेंशिएबल है, ठीक है, तो एफ डैश सी क्या लिखा जा सकता है, एफ डैश सी कुड बी रिटन एज ए एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए लिखा जा सकता है। यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, जो माइनस फाइव हो गया ये ए हो गया और जो फाइव है वो क्या हो गया, बी हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ ऑफ फाइव माइनस एफ ऑफ माइनस फाइव अपॉन फाइव माइनस माइनस फाइव, तो ये कितना आ जाएगा आपका, एफ डैश सी मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या हो जाएगा आपका, माइनस फाइव फाइव एंड प्लस फाइव टेन टाइम्स एफ डैश सी दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ फाइव माइनस एफ ऑफ माइनस फाइव, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर टू। अब देखिए वन में क्या कहा गया था, इक्वेशन नंबर वन हमने जो इसको ट्रांसलेट किया मैथमेटिकली तो हमने कहा एफ डैश सी जीरो नहीं है, ठीक है, एफ डैश सी अगर जीरो नहीं है तो टेन वैसे भी जीरो नहीं है, एफ डैश सी भी जीरो नहीं है, इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है ये नॉन जीरो होगी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड नॉन जीरो है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, नॉन जीरो होगी। तो हम क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, एफ फाइव माइनस एफ ऑफ माइनस फाइव नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ फाइव नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस फाइव होगा, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, तो दैट इज प्रूव्ड।